कल लोग हम बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले हमने बात की थी स्ट्रेडियन भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, है ना। और हम लोगों ने जो डिस्टेंस को मेजर करने की जो छोटी यूनिट्स है, स्मॉल यूनिट्स है, जैसे फर्मी हो गया, माइक्रोन हो गया, नैनो हो गया, है ना। और उसके अलावा हम लोगों ने छोटी यूनिट के अलावा हम लोगों ने लार्ज यूनिट पढ़ी थी। जो लार्ज यूनिट के अंदर जो हमारे पास एक आता था लाइट ईयर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक आता था पार्सेक। 1 लाइट ईयर कितना होता है बता दिया था मैंने आपको, 4 पॉइंट समथिंग, है ना। 1 लाइट ईयर की वैल्यू बता दी थी मैंने आपको कि लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे 1 लाइट ईयर बोलते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो एवरेज डिस्टेंस है किस किस के बीच में बेटा, आपके सन के बीच में और अर्थ के बीच में। और 1 पार्सेक की बात भी बता दी मैंने, एक आपको सर्कल की आर्क लेनी है जिस आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। वो आर्क सेंटर पर अगर 1 सेकेंड का एंगल बनाती है तो उस सर्कल की रेडियस हमारी किसके इक्वल है, 1 पार के इक्वल है। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी बेटा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के हमारे पास 3 अलग अलग मेथड थे, एक सॉरी 2 मेथड थे। एक तो हमारे पास था डायरेक्ट मेथड और एक बेटा हमारे पास था इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड था उस डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने 3 अलग अलग डिवाइस का नाम सुना था। एक डिवाइस का नाम था क्या हमारे पास, उस डिवाइस को बोल रहे थे हम मीटर स्केल। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है देव, देव मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, एक बार में अनम्यूट हो जाना चाहिए। देव यहीं पर है, देव अब बोला है बेटा इतनी देर में, बताओ मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है? जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो म्यूट कर दो, या फिर आप बोल सकते हो बेटा 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट। ठीक है, अब बात करेंगे हम समीर से। समीर ये तेरे को फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, अदरवाइज कल से तुम क्लास में नहीं दिखोगे, मैं यहां से तुम्हें रिमूव कर दूंगा। वंदना आप बताओ वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? ये 1 मिलीमीटर का, ये 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट मेजर कर ले, सॉरी हाँ 1 पार्ट मेजर कर लेते, या फिर बोल सकते हैं आप 1 सेंटीमीटर का 100th पार्ट मेजर कर लेते हैं। ठीक है, आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिन मेथड्स को हम लोग यूज करेंगे लेंथ को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए बेटा, लेंथ को मेजर करने के लिए। कल जो हमने 3 मेथड पढ़े थे, 3 डिवाइस का नाम पढ़ा था, वो डिवाइस जो हमारे थे वो थे हमारे पास डायरेक्ट मेथड के अंदर। और अब हम बात करेंगे बेटा कौन से मेथड की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स आएंगे। इनडायरेक्ट मेथड में आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करोगे, आप बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हो गई जो मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स का यूज करके आप इनडायरेक्ट मेथड से क्या मेजरमेंट करोगे, लेंथ। तो आप कौन से मेथड डिस्कस कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड किसके लिए बेटा, इनडायरेक्ट मेथड लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है जिस इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो आते हैं, देखो बहुत सारे मेथड नाम बता देता हूँ मैं,
एक ट्रायंगुलर मेथड है, ठीक है, एक एसेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए और एक नॉन एसेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जहां तक हम खुद पहुंच सकते हैं, जिसको हम एसेस कर सकते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जहां पर हमें खुद पहुंचना पॉसिबल नहीं है। उन दोनों की हाइट निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ट्रायंगुलर मेथड का, ठीक है। ट्रायंगुलर मेथड की बात करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड से भी हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस देखो, कुछ यहाँ से मून से सन के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, या मून से अर्थ के बीच की डिस्टेंस करनी है, या फिर किसी प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस करनी है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? पैरालैक्स मेथड यूज करेंगे। और भी हमारे पास बहुत सारे मेथड है, जैसे कॉपरनिकस मेथड हो गया, ठीक है, प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। कॉपरनिकस के बाद हमारे पास एक मेथड हो जाता है डिफ्लेक्शन पर बेस्ड, जैसे आपने 9th क्लास में मेथड पढ़ा होगा, इको मेथड इसको बोलते हैं। इको मेथड भी है हमारे पास, ये भी डिस्टेंस को मेजर करता है। लेजर मेथड भी है। ये सारे मेथड हमें डिस्कस करने हैं। ये सारे मेथड जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, 5 से 7 मेथड होंगे, इन सभी मेथड का काम क्या है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की हाइट, बेसिकली इसका काम ये है बेटा, लेंथ को मेजर करना। इन सभी मेथड की हेल्प से हम किसको मेजर करेंगे? लेंथ को मेजर करेंगे। अभी आपकी 11th क्लास की इनिशिएशन है, तो मैं हर टॉपिक पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलूंगा ताकि आपको समझ में आए। और एक्स्ट्रा बोलने का रीजन ये है कि आपको उस चैप्टर की, है ना, उस चैप्टर की वैल्यू पता लग जाएगी, उस चैप्टर की कितनी वैल्यू है। एक्स्ट्रा बोलने का रीजन ये है कि अभी देखो, हम अभी भी कुछ बच्चे हैं, जैसे नाम नहीं मिलूंगा मैं आपको, पता भी है, कुछ बच्चे अब भी ऐसे ही हैं जो इस चीज को लाइटली ले रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ और वो ऑफलाइन जाते हैं, ठीक है, इसको लाइटली ले रहे हैं, ठीक है। तो लाइटली जो ले रहा है उसको अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइंस तुमने ले ली है, आप लोग सोच के बैठे हो साइंस ले लिया, पढ़ने लग जाओगे या फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। साइंस तो ले लिया बेटा, पर साइंस लेने के साथ साथ समझदारी भी लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप मैच्योर नहीं और बिना मैच्योरिटी के काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो काम तो स्टार्ट हो जाएगा, पर उस काम में जो स्टेबिलिटी है, जो ठहराव है, वो नहीं आएगा। कितनी ही कोशिश कर लो घर पर बैठ के बिना माइंड सेट किए। अगर आप देखो, अब भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, जिन बच्चों का माइंड सेट है, जिनके ऑनलाइन क्लासेस लेने का रीजन ये कि हाँ ठीक है, कुछ पढ़ना है, कुछ गेन करना है, उनके लिए तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत बेनिफिशियल। और जिन बच्चों का माइंड सेट नहीं है, जिनको अभी भी लग रहा है यार सिर्फ मजबूरी है, वीडियो देखना है, चलाना है, या फिर जो बच्चे अब नहीं आ रहे हैं, जो बोलते हैं हमारे पास टेक्निकल इश्यू है, या फिर जिनकी जो प्रॉब्लम है वो जानबूझ के नहीं आ रहे, उनको अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान के चलो 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं मान के चलता हूँ, जून के बाद सपोज करो, या जुलाई के बाद आपके स्कूल खुल जाते हैं, यह मान के चलते हैं, तब जब मैं क्लास लूंगा ना, वहां पर उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वो 10th में कितना इंटेलिजेंट हो, अल्टीमेटली वो 11th के अंदर जाने के बाद एक एवरेज या वीक स्टूडेंट के वहां पर कैटेगरी में लाई करेगा। तो मेरी बात ध्यान सुनना, जो भी क्लास ले रहे हो उसको कहीं ना कहीं मैं बेनिफिट दूंगा, और कहीं ना कहीं उनके अंदर मैच्योरिटी लाऊंगा। मैच्योर होकर पढ़ो, सीरियस होके पढ़ो, मजाक में मत लो। अगर मजाक में लेना है तो बेसिकली ना, मजाक में लेना भी ना, तो क्लास को स्किप कर दो, देखो ही मत क्लास। मैं आपको एडवाइस देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि सब मजाक चल रहा है, ठीक है, देखना जरूरी है। अगर आप सीरियस हो तभी क्लास के अंदर आओ, और सीरियस हो गए तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में और आपको भी, ठीक है। चलो, तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कौन से मेथड की बेटा? ट्रायंगुलर मेथड। कौन से मेथड की बात करेंगे? ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड क्या काम करता है बेटा? ट्रायंगुलर मेथड हम यूज करेंगे, नंबर 1, टू कैलकुलेट की हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है, ठीक है, कोई आपके पास बिल्डिंग है, कोई टावर है, उस बिल्डिंग की या उस टावर की आपको हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? बिल्डिंग की या फिर उस टावर की आपको हाइट निकालनी है। और वो टाइम तो टावर हमारे पास कैसे बेटा? एक्सेसिबल है ऑफ
एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब क्या होगा कि जिस तक हम पहुंच सके, जिस तक हम पहुंच सके। मान लो आप अपने स्कूल में ही खड़े हो, ठीक है, और हमें अपने स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। जैसे आपने 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग लेंथ, वो जो 3 6 कोण फंडामेंटल जो आप यूज करते हो क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उनकी हेल्प से आप एंगल की हेल्प से, है ना, आप क्या कैलकुलेट कर लेते हो, लेंथ भी कैलकुलेट कर लेते हो, हाइट भी कैलकुलेट कर लेते हो, हाइपोटेन्यूज वगैरह भी सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हो। तो वही है, तो हम ट्राइंगुलर मेथड की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे हाइट किसकी बेटा, एक बिल्डिंग की हाइट मेजर करेंगे जो हमारे लिए क्या है, एक्सेसिबल है। मतलब हमारा उस बिल्डिंग तक पहुंचना इजी है, मतलब हम उस बिल्डिंग तक पहुंच सकते हैं, या हमारी उस बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस है, वो बिल्डिंग हमारे से कितनी दूर है, वहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम बात करें तो मान के चलो जो स्कूल का हमारा, स्कूल की हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, स्कूल की जो बिल्डिंग है जहां पर आपकी क्या कहते हैं ये जो 10th 11th और 12th क्लास बैठती है, उस साइड से अगर हम बात करें तो हमें उस बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना है मान के चलो, और आप खड़े हो स्कूल के उस साइड जहां पर वो पार्क है, ठीक है, मतलब मैं पार्क के साइड खड़ा हूँ और वो सामने बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की मुझे हाइट निकालनी है, वो स्कूल की जो बिल्डिंग है। अब मैं पार्क से स्कूल की बिल्डिंग मुझसे कितनी डिस्टेंस पर है वो मैं मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमारे पास, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल लिख देते हैं, ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, इसको बोल देता हूँ एच। एच क्या है बेटा, एच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है हमारे पास एच, ये हमें कैलकुलेट करनी है। और आप देखो यहाँ खड़े हो इस पॉइंट पर, ये आपकी लोकेशन है, और आप जिस पॉइंट पर खड़े हो उस पॉइंट से स्कूल की बिल्डिंग की डिस्टेंस आपको पता होगी, और ये डिस्टेंस जो है वो मान के चलो आपके पास कितनी दे रखी है बेटा, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको एक्स, एक्स की वैल्यू आपको नोन है, एक्स की वैल्यू आपको नोन है, क्लियर है। तो स्कूल की बिल्डिंग से हाइट आपको निकालनी है और ये डिस्टेंस आपको पता है। एक डिवाइस होता है बेटा, जिस डिवाइस से आप कहीं भी खड़े होगे कोई भी पॉइंट ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, मान लो आप वहां स्कूल की बिल्डिंग के बाहर खड़े हो और वहां से ये देख रहे हो कि जो टॉप पॉइंट है बिल्डिंग का, टॉप पॉइंट ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को आप मेजर कर सकते हो, इस वाले एंगल को मेजर करना, मान लो ये एंगल कितना है थीटा। एक डिवाइस जो इस एंगल को मेजर कर ले उस डिवाइस का नाम है बेटा सेक्सटेंट, क्या डिवाइस का नाम है बेटा, सेक्सटेंट एक डिवाइस है, ठीक है। जब आप बीएससी या में ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे ना, बीएससी ग्रेजुएशन में जाओगे तब आपको एक डिवाइस देखने को मिलेगा, बेसिकली ये डिवाइस एक दो टाइप के व्हील्स पर अरेंज होता है, जो व्हील्स बिल्डिंग की एंगल को मेजर करने का काम आता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको कैसे समझना है, इस एंगल को मेजर करने के लिए हमें कौन से डिवाइस का यूज करना है बेटा, इस एंगल को मेजर करने के लिए हमें डिवाइस का यूज करना है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट डिवाइस की हेल्प से हम लोगों ने ये एंगल मेजर कर लिया और हमें पता है ये इसकी डिस्टेंस एक्स की वैल्यू पता है। अब हमें निकालना क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ट्राइंगल का नाम दे दिया ए बी और सी। देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है बी सी, कैलकुलेट करना है अपोन ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है वो बेस हो जाएगा हमारे पास ए सी। बी सी हमारे पास क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, और ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस क्या है बेटा हमारे पास बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कितना, साइन ऑफ थीटा, कितना होता है साइन ऑफ थीटा। तो यहां से बी सी क्या बेटा, हाँ टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस किसके बराबर होता है बेटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां से हम बी सी की वैल्यू निकाल देंगे, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ए सी इंटू में टेंजेंट ऑफ थीटा। देखो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए से लेकर सी तक की वैल्यू हमको पता है एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, और बी सी जो है वो हमारे पास क्या है, बिल्डिंग की हाइट, हाइट ऑफ द, तो एच बराबर कितना आ जाएगा बेटा,
एक्स की वैल्यू हमको पता है कि हम बिल्डिंग से कितनी दूर खड़े हैं, और थीटा की जो वैल्यू है उस थीटा की वैल्यू हम कौन से डिवाइस से कैलकुलेट कर देंगे, सेक्शनल डिवाइस से कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर मेथड है, इस ट्राइंगुलर मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी बिल्डिंग की हाइट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं हम, दूसरे में हम क्या लेंगे बेटा, अब हम कैलकुलेट, अभी मेथड तो कौन सा चल रहा है ट्राइंगुलर, पर अब हम कैलकुलेट करेंगे एक ऐसे, अब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा एक ऐसे ऑब्जेक्ट की हाइट जिस तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जिसको बोल रहे हैं हम इन एसेसिबल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा, इन एसेसिबल ऑब्जेक्ट मतलब जहां तक हमें पहुंचना पॉसिबल नहीं है। सपोज करो आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हो, समुद्र के बीचों बीच एक टापू है, टापू पर एक पेड़ है, उस पेड़ की हाइट निकालनी है। आप उस टापू से कितनी दूर हो, आप उस टापू से कितनी दूर हो उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एसेसिबल नहीं है बेटा, वो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इनएसेसिबल है। ठीक है, तो यहां तक आपको एक बात समझ में आई होगी। अब हम दूसरा मेथड क्या यूज करेंगे, दूसरा मेथड हमारे पास है ट्राइंगुलर मेथड ही है, तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, या फिर टू कैलकुलेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ विच ऑब्जेक्ट, इन एसेसिबल ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट है, टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, इन एसेसिबल मतलब जिस तक आप नहीं पहुंच सकते वो है इन एसेसिबल ऑब्जेक्ट। ठीक, उसकी हाइट को आपको मेजर करना है, किसकी हेल्प से मेजर करोगे, ट्राइंगुलर मेथड की हेल्प से। करें स्टार्ट इसको, देखो वाहिगुरु जी, देखो ना, मान लो ये आपके पास वो ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट को आपको मेजर करना है, इसकी हाइट को बोल दिया हमने एच। ठीक है, आप यहां पर इस पॉइंट पर हो और ये डिस्टेंस आपको पता नहीं, यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है वो आपको पता नहीं। अगर ये डिस्टेंस पता होती सीधा हम कौन सा मेथड लगा देते, सीधा मेथड लगा देते एसेसिबल ऑब्जेक्ट वाला, पर ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, हम यहां पर खड़े हैं और हम चाहते हैं कि हम इस टावर की या इस पेड़ की हाइट को मेजर करें। ठीक है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस नहीं है, तो मान लो ये डिस्टेंस एक्स है। देखो ये याद रखना, एक्स की वैल्यू हमारे लिए कैसी है, एक्स की वैल्यू अननोन है, तो हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, इसका यूज तो होगा पर ये अपने आप कैलकुलेशन में कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो ठीक है, उसके बाद आप यहाँ खड़े हो, सेक्शनल डिवाइस का यूज किया आपने, यहाँ इस पॉइंट से ये टावर, इस पॉइंट से ये टावर कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को बोल दिया हमने थीटा वन। कितना बोल दिया बेटा, थीटा वन। अब इस टावर से कुछ डिस्टेंस पीछे की तरफ चलो, कि कुछ डिस्टेंस अगर आगे पॉसिबल है, जाना पॉसिबल तो आगे चल दो, अदरवाइज उस टावर से जिस पॉइंट पर आप खड़े हो कुछ डिस्टेंस पीछे की तरफ चलो। ठीक है, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने मेरे समुंदर, समुंदर के बीच में एक टापू और टापू पर एक टावर है, टापू पर एक पेड़ है बहुत बड़ा, उसकी हाइट निकाल रहा हूँ। तो पहले समुद्र के किनारे खड़ा होकर, ठीक है ये समुद्र का किनारा है, वहां खड़ा होकर सेक्सटेंट की हेल्प से मैंने इस थीटा वन की वैल्यू निकाली। अब मैं कुछ डिस्टेंस 10 मीटर, 20 मीटर या 25 मीटर पीछे गया, फिर वहां खड़ा हुआ, फिर किसकी हेल्प से बेटा, 20 मीटर, 10 मीटर, मान लो डी डिस्टेंस पीछे चला गया मैं, डी डिस्टेंस में पीछे चला गया, फिर मैं वहां पर खड़ा होकर सेक्सटेंट की हेल्प से हाइट ये वाला एंगल फिर से निकाल लिया हमने। इस वाले एंगल को कितना बोल दिया अगली बार हमने बेटा, थीटा टू नाम दे दे इसको, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हमने ए बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने सी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने डी। ठीक है, करना कुछ नहीं आपको, पहले वहां पर कॉर्नर पर खड़े हो गए उसके एंगल की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद कॉर्नर से पीछे आ जाओ, पीछे आकर जब फिर एंगल की वैल्यू निकालोगे दोनों के एंगल की, थीटा वन की वैल्यू निकल जाएगी और किसकी वैल्यू निकल जाएगी बेटा, थीटा टू की। नेक्स्ट क्लास कितने बजे की आपकी, 11 o'clock। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो ट्राइंगल कौन सी यूज करेंगे, ट्राइंगल यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी, इसमें हम निकालेंगे कोट ऑफ थीटा वन,
ऑफ थीटा वन, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस तो होता है टेंजेंट थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास कोट ऑफ थीटा। तो यहां पर बेस कितना है एसी, बेस हमारे पास एसी है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा एबी, मतलब बेस की वैल्यू होगी एक्स, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी एच। तो पहले किसकी वैल्यू निकाली हमने कोट ऑफ थीटा वन की, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं। ऐसे ही ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे हम, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इसके लिए निकालेंगे बेटा कोट ऑफ थीटा टू, कोट ऑफ थीटा टू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी देखो, परपेंडिकुलर कितना है सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारे पास ये हो गया ए डी अपॉन परपेंडिकुलर वही सेम ए बी। देखो ए डी की वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपके पास एक्स है और ये डिस्टेंस आपके पास डी है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा एक्स प्लस डी, एक्स प्लस डी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज एच, इक्वेशन नंबर कितना बोल दे इसको टू। अब इक्वेशन नंबर वन में से इक्वेशन नंबर टू को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन नंबर वन में सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन नंबर टू को, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर वन ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर टू, तो ये हो जाएगा आपके पास कोट ऑफ थीटा टू माइनस कोट ऑफ थीटा वन बराबर एक्स प्लस डी बटे एच माइनस एक्स अपॉन एच। दोनों में से देखो कॉमन क्या रहेगा, दोनों में से वन बाई एच कॉमन आ गया यहाँ पर, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, दोनों में से वन बाई एच कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास है क्या कोट ऑफ थीटा टू माइनस कोट ऑफ थीटा वन बराबर वन बाई एच, दोनों में से कॉमन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ बचेगा कितना बेटा एक्स प्लस डी माइनस एक्स, तो एक्स से आपको क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा सिर्फ बच जाएगा यहाँ पर कितना बेटा डी, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो किसकी वैल्यू जाएगी डी अपॉन कोट ऑफ थीटा टू माइनस कोट ऑफ थीटा वन। इस प्रोसेस से या इस मेथड से, इस प्रोसेस से या इस मेथड से हम किसी भी इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो डी डिस्टेंस वो है जो मैं समुद्र के किनारे खड़ा होकर पीछे चला था, वो डिस्टेंस तो पता ही लग गया हमको, थीटा वन की एंगल और थीटा टू एंगल दोनों की वैल्यू हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेक्स टेन डिवाइड से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से या बोल सकते हैं इस सिचुएशन की हेल्प से आप लोग किसी भी इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब अगला मेथड है पैरालेक्स मेथड। सबसे पहले पैरालेक्स मेथड को डिस्कस करने के लिए कि भाई पैरालेक्स मेथड होता क्या है, किस काम आता है पैरालेक्स मेथड, ठीक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको पैरालेक्स फिनोमिना बताऊंगा कि पैरालेक्स होता क्या है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कल पैरालेक्स के बारे में पूछा भी था मुझसे, सर पैरालेक्स क्या होता है, तो वो उसको लिए मैंने आपको बोला था कि आप धीरे धीरे आप चलते जाओगे बढ़ते जाओगे समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, पैरालेक्स की, पैरा एक पैरालेक्स फिनोमिना होती है, उस फिनोमिना को चलो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सभी लोग जब बैठे हो आपके हाथ में पेन होगा, पेन नहीं है तो ले लो अपने हाथ से पेन, ठीक है, पेन को लो और अपनी आंखों के सामने रखो। ठीक है, अगर पेन को आप अपनी आंखों से देख रहे हो, सपोज करो आपने अपनी लेफ्ट आई बंद कर दी, लेफ्ट आई बंद करके पेन को देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद फिर आपने लेफ्ट आई को क्लोज ओपन किया और फिर राइट आई को क्लोज करो, लेफ्ट आई को ओपन किया और राइट आई को क्लोज किया, तो आपने क्या देखा उस टाइम, एक बार ट्राई करके देखो बेटा मेरे को बताना क्या होता है। आप अपने पेन से पेन को देखो एक बार, लेफ्ट आंख एक बार लेफ्ट आंख को बंद करके देखो, फिर उसी टाइम लेफ्ट आंख को खोलो राइट को बंद करके देखो, क्या ऑब्जर्व होता है आपको। हाँ, इस पेन की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी। देखो अगर आप लेफ्ट आई को ओपन रखते हो, लेफ्ट से राइट पे जाते हो तो पेन भी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और राइट से लेफ्ट की जाते हो तो पेन भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस टाइप की पोजीशन में चेंज होना, जब आप अपनी आई साइड को चेंज करते हो
आईसाइड के चेंज होने के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज हो जाना, ऑब्जेक्ट की किसका चेंज हो जाना, पोजीशन का चेंज हो जाना, उसी पोजीशन के चेंज को बोलते हैं क्या चीज बेटा, पैरालैक्स। पैरालैक्स इज द, इट इज द एपरेंट चेंज, इट इज द एपरेंट चेंज इन द पोजीशन, एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन और आईसाइट। अपनी आईसाइट को जब हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मान लो देखो ये ऑब्जेक्ट था यहां पर, इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, सॉरी ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ठीक है, इसको मैंने लेफ्ट आई क्लोज की, लेफ्ट आई क्लोज करने के बाद ऑब्जेक्ट मान लो यहां शिफ्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, इस ऑब्जेक्ट को ऑयल बोल देता हूँ। फिर मैंने लेफ्ट आई को ओपन किया, राइट आई क्लोज की, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ शिफ्ट हो गया, मान लो यहाँ शिफ्ट हो गया ठीक है। और आप ये ऑब्जर्वर, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ऑब्जर्वर है ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेफ्ट आई क्लोज किया तो ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, राइट क्लोज की तो यहाँ चला गया। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना ऑब्जर्वर की आई साइड चेंज होने की वजह से, इस फिनोमेना का नाम क्या है बेटा, इस फिनोमेना को बोलते हैं पैरालैक्स मेथड, क्या बोलते हैं बेटा सॉरी, इस फिनोमेना का नाम क्या है, पैरालैक्स, पैरालैक्स फिनोमेना है। देखो ये ट्राइंगल सी बन गई है, ये जो एंगल होगा, ये जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट आई करने पर यहां गया, राइट आई करने पर यहां गया, वो जो ऑब्जर्वर पर जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं पैरालिटिकल एंगल, कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा इसको, या पैरालैक्स एंगल, पैरालैक्स एंगल ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट की दोनों पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, इसको बोलते हैं बेसिस, क्या बोलते हैं बेटा इसको, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं बेसिस, दो पोजीशंस जो डिफरेंट पोजीशंस हैं उनकी पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस को बेसिस बोल रहे हैं, और इस एंगल को क्या बोल रहे हैं हम, पैरालैक्स, पैरालैक्स एंगल बोल दो, या फिर इसको बोल दो कौन सा एंगल, पैरालिटिकल एंगल, पैरालिटिकल ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब हमने जो ये पैरालैक्स फिनोमिना पढ़ ली है, इस पैरालैक्स फिनोमिना का हम यूज करेंगे किसी भी प्लैनेट से, मान लो अर्थ से मून के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के, तो पैरालैक्स फिनोमिना का यूज कहाँ होगा बेटा, पैरालैक्स फिनोमिना का यूज होगा टू कैलकुलेट, पैरालैक्स फिनोमिना का यूज क्या होगा बेटा, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, मून और अर्थ के बीच में, मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे हम कौन से मेथड का यूज करके बेटा, पैरालैक्स मेथड का। देखो पैरालैक्स मेथड का यूज करेंगे हम, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो ये आर्टिकल थोड़ा सा, ये बोल सकते हो ये थोड़ा सा लेंथी होगा और ये टाइमिंग हमारे पास है नहीं, 5-7 मिनट है, इसमें कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें करेंगे क्या, इसमें देखो हम करने क्या वाले हैं बेटा, हम अर्थ के किसी भी मान लो लोकेशन पर, मान लो मैं यहीं खड़ा हूँ अभी ठीक है, और मेरे को मून दिख रहा है और मुझे मून की डिस्टेंस निकालनी है अर्थ से, मून अर्थ से कितनी दूर है ना, कह रहे थे ना भाई कि मैं बोल रहा हूँ आपको फिजिक्स को लाइटली मत लेना, देखो अभी यहीं बैठे बैठे आप लोगों ने समुन्द्र के बीच रखा हुआ एक टावर या एक पेड़ उसकी हाइट निकाल ली, यहीं खड़े खड़े आप लोगों ने, अब हम देखो दूसरी बात सीधा जंप कर रहे हैं मून से अर्थ के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही डिवाइस है आपको, कौन सा, सेक्सटेंट, सेक्सटेंट डिवाइस की हेल्प से आप लोग अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है।
उसमें करना क्या है, आप अर्थ की किसी एक लोकेशन पर खड़े हो जाओ, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, मुझे मून दिख रहा है, यहां से मुझे मून दिख रहा है, तो मुझे चूज करना पड़ेगा एक ऐसा स्टार जो हमसे बहुत दूर हो। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, उस स्टार की हेल्प से हम लोग मून की और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज जा सकते हो बेटा, क्लास हो गए। सो गए क्या सब? हाँ, इलेक्ट्रो इस दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स है ना, सभी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, पर उनके अंदर वेव नेचर कम होगा, पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा। पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह कम बिहेव करेगा। साइज बड़ा होगा तो पार्टिकल की तरह ज्यादा बिहेव करेगा, वेव की तरह कम बिहेव करेगा, ठीक है। स्क्रू गेज और स्पैरोमीटर में ना डिपेंड करता है सिचुएशन पर, वो कितनी लेंथ को मेज, वो कई बार क्या 1 सेंटीमीटर का 1000 भी मेजर कर लेता है, 1 सेंटीमीटर का 500 पार्ट भी मेजर कर लेता है, डिपेंड करता है स्क्रू गेज बनाया कैसे है। जब स्क्रू गेज पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कैसे वो मेजर करता है, अलग अलग टाइप के स्क्रू गेज होते हैं, इसलिए मिलता है, ठीक है। जब हमारी स्कूल में क्लास लगेंगे तब आपको मिल जाएगा स्क्रू गेज। हाँ भी आएगा, आएगा, ठीक है, ओके। कौन सी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये का मतलब ऑल, ये साइन थीटा और कोसेक थीटा, टेंजेंट और कॉस, और ये क्या है, कॉस थीटा और ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सी सेकंड थीटा, ये दो क्वाड्रेंट, दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे होते हैं हमारे पास, कॉस थीटा, बाकी फोर्थ वाले में ये दो पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा और सेकंड थीटा, बाकी सारे जितने चार बच गए ना जो, वो चारों नेगेटिव। नहीं, मैंने पॉजिटिव ही बताया होगा, बट आपने सुनने सुनने में गलती करी हुई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट, ये याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर एड शुगर टू कॉफी, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज जाओ। आवेश, कोई डाउट है? धीरज,